आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप वेल के सोफा कम बेड के बारे में। दोस्तों, होम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सोफा कम बेड के अंदर आपको दो साइज के सोफा कम बेड मिलेंगे। एक आएगा सिंगल बेड का, उसका साइज होगा 6x2.5 फीट का। दूसरा आएगा डबल बेड का, डबल बेड के अंदर उसका साइज होगा 6x5 का। कंपनी ने इस सोफा कम बेड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप इसको मल्टीपल यूज कर सके। जैसे कि आप इस सोफा कम बेड को टोटल 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है आप सीधा इसके ऊपर बैठ सकते हो इस तरीके से। ये पहला तरीका हो गया जैसे नॉर्मली हम सोफे को बैठने के लिए यूज करते हैं। जो दूसरा तरीका है इसको यूज करने का वो है इस तरीके से, आपको इसको ओपन करना है। तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। इस तरीके से लेट सकते हैं और ये जो है ये आप देख रहे हो ये पिलो का काम करेगा। इस तरीके से पिलो भी हो जाएगा इसके अंदर। और दूसरा है, तीसरा तरीका है इसको सीधा यूज करना, यानी कि जो पिलो इसमें दिखा रहा है, जो ये पिलो आप देख रहे हो इस तरीके से हुआ है, उसको ऐसा करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो आप पूरा स्ट्रेट भी इसको यूज कर सकते हैं। और जो फोर्थ स्टाइल है इसको यूज करने का वो है इसको उल्टा करके इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऐसा करते हैं जब टीवी वगैरह देखना हो तो इस तरीके से आप इसको बैक सपोर्ट के लिए लेके इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बैक सपोर्ट। और टीवी वगैरह देखना है या दोस्तों के साथ रूम में बैठे, फैमिली के साथ बैठे, तो भी इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों, इसको वापस सोफा बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ईजी है। आप आराम से इस तरीके से इसको वापस सोफे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया सोफा। अब देखते हैं इसका हाइट कितना है। इसका टोटल अगर हाइट नापे तो इसका हाइट 14 इंच का है। आप देख सकते हो इसके अंदर 14 इंच का हाइट है। जैसे ही इसको हम बेड के लिए, मैट्रेस के लिए यूज करते हैं तो इसका टोटल थिकनेस हो जाएगा 7 इंच का। और इसका जो डेप्थ है सोफे का वो टोटल देखे तो 21.5 इंच का है, जैसा कि आप देख रहे हो। और बैक का जो साइड है उसका जो सपोर्ट है उसका थिकनेस अगर देखे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा 11 या 12 इंच के आसपास। तो बैक सपोर्ट भी पूरा इसके अंदर मिलता है। कंपनी सोफा कम बेड के अंदर इस तरीके के जिप कवर भी देती है बेस्ट अपहोल्स्ट्री के साथ। जो जिप कवर है उसके नीचे का जो अभी जो फोम देख रहे हैं उसके ऊपर भी एक कॉटन का स्मूथ कवर लगाया हुआ है, वो भी लगाते हैं। इस तरीके का पूरा जिप कवर रहता है। दोस्तों, कंपनी इस सोफे कम बेड के अंदर ऑलमोस्ट 40 डेंसिटी का फोम यूज करती है और फोम के अंदर सेंटेक करके टेक्नोलॉजी यूज करती है। इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है जो फोम का, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहता है, गर्मी का इश्यू नहीं आता है। तो इसके अंदर गर्मी का इश्यू भी नहीं आएगा। और दूसरी चीज, कंपनी इसके अंदर नीम प्रेस टेक्नोलॉजी यूज करती है। नीम प्रेस से क्या होगा, सोफे के अंदर खराब बदबू नहीं आएगी, डस्ट माइट्स कम कैच करेंगे और हाइजीन वाइज सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इस सोफे कम बेड का वेट भी बहुत कम है। अगर सिंगल साइज का सोफा कम बेड लेते हैं तो इसका 4.5 kg के आसपास टोटल वेट रहेगा। अगर डबल बेड का लेते हैं तो ऑलमोस्ट 9 किलो के आसपास इसका वेट रहेगा। तो बच्चे भी इसको आराम से मूव कर पाएंगे। अगर घर में लेडीज है तो उसको भी एक कमरे में से अगर दूसरे कमरे में इस सोफे कम बेड को ले जाना है तो भी आसान रहेगा। और इसका मल्टीपल यूज आप अपने रूम में कर सकते हो। अगर स्पेस कम है, वहाँ पे सोफा भी लगाना है और बेड भी लगाना है, तो दोनों लगाने से अच्छा है कि एक सोफा कम बेड ही रख ले। दोस्तों, सोफा कम बेड अलग अलग कलर में भी अवेलेबल रहता है। तो जो कलर है वो अभी आप देख रहे हो, इस तरीके के कलर भी सोफा कम बेड के अंदर आते हैं। इसका सिंगल बेड का रेट है 12,600 रुपीज और अगर डबल बेड में लेते हैं तो इसका MRP रहेगा 23,400 रुपीज। कंपनी इस सोफे कम बेड के अंदर पूरे 5 साल की वारंटी देती है।
तो 5 साल तक पूरा पीस ऑफ माइंड रहेगा। दोस्तों अगर आपको इस सोफा कम बेड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।